सुबह सुबह की शुरुआत फिर से एक नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम पूजा ब्लॉग में बड़े बड़ों को राम राम, छोटों को बहुत सारा प्यार। और करवा चौथ पर इस ट्रेडिशनल के साथ मजे मस्ती में मैं आ गई हूँ पूरे साज सिंगार के साथ। और लुक मेरा देखना, मैं बनाऊँगी दो लुक में, जो सुबह मॉर्निंग में मैंने डाला था फिर इवनिंग में। और आगे का ब्लॉग आपको इसी तरह के ट्रेडिशनल्स के साथ मिलेंगे। और आई होप सो आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती होंगी। तो चलिए बने रहे मेरे चैनल पर, आ जाइए। ये मम्मी एक्टिंग करते हैं। सभी को हैप्पी करवा चौथ, करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं सभी की, सभी की लाइफ में माता रानी इसी तरह से हर तरह से सुशांति रखे। आप लोग बोल रहे हो करवा चौथ की बहुत बहुत, जितने भी मतलब हमारे चैनल पे देखने वाले सारे के सारे व्यूवर्स है, फैमिली है, वो सभी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश रहे इसी की कामना। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो लाइव में तो आपने देख ही लिया होगा करवा चौथ की स्टार्टिंग मेरी जो हुई है वो कुछ इस तरह से हुई है, इस लहंगे के साथ। और मैंने ये लहंगा अपने आप क्रिएट किया है। जिन जिनके पास लहंगे का बजट नहीं होता है वो अपनी साड़ियों के साथ किस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं लहंगा का लुक, वो मेरी नॉर्मल जो लाइव होती है ना उसमें जाकर देख सकते हैं। ये था मेरा ट्यूटोरियल, मैं उसका मेकअप का वो भी मैंने दिखाया था। और आज की मेरी जो मेहंदी थी वो थी ये, डिज़ाइन वगैरह आप देख सकते हैं। यहाँ था हमारा नाम, मेहंदी का कलर आया कुछ इस तरह से। और ये हमारे यहाँ पर करवे भर दिए जाते हैं माता रानी के। और फिर ये जो माला मैं लाई थी इसे यहाँ पर, इसमें गणेश और लक्ष्मी की, वैसे हमारे यहाँ पर मतलब माता रानी रखी नहीं जाती है। और फिर फूल वगैरह से सजाने के लिए कहानी सुनने से पहले क्या करते हैं, करवे भर देते हैं। मेरी ड्रेस तैयार है पहनने के लिए और मैंने जो ये लुक लिया है अभी लिया है उससे कहानी से पहले लेते हैं। चुनरी ऑफकोर्स मैं यही ओढ़ने वाली हूँ। तो कैसा लगा मेरे सुबह सुबह का लुक। और करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी सभी बहनों को। और इसी तरह से आई होप सो आप करवा चौथ हर साल हो गई हूँ मैं कहानी के लिए रेडी। और ये मेरी नकली आईब्रो और पूरा प्रिपरेशन के साथ ये है मेरा आज का लुक। और यहाँ पर चावल ले जाने होते हैं कहानी सुनने के लिए। और अब मैं जाऊँगी अपनी जिठानी के यहाँ पर। और कैसा लगा मेरा लुक मुझे वो बताएगा। ये है मेरा लहंगा ड्रेस। चलिए खाने करवा चौथ की करने के लिए हमारी सारी पूरी फैमिली, हमारे जल रोटिया चा, आप तो ही सनेगो तो सनेगो ही। हाँ ये जो आप देख रहे हैं चावल के साथ सुनी जाती है कहानी, इसमें हल्दी मिला लेते हैं थोड़ी सी। और जो हमारी ताई जी हैं वो सबसे बड़ी हैं, वही कहानी सुनाएंगी आज। तो चलिए दिखाते हैं आपको। चले गए पहला टुकड़ा तोड़ा तो बांध करी आए, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो मच्छी भी करी आई, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो मम्मा लहंगा ना बस फॉर्मेलिटी ही रह जा। हेलो हैप्पी, हाँ इतना तो काफी है। खींच आप फोटो खींचेंगे बढ़िया से यहीं करके बाहर। ले मेरे पैर छू आज स्टार्ट है तो प्यास प्यास ना लगती है तो सब बहाने हैं खाने का ना।
तो सब बहाने फोटोग्राफर देखा, ये मेरी पूरी फैमिली है और सारे के सारे इकट्ठा होके, सारी चाची हैं, ताई हैं, और सबसे पहले तो अम्मा जी भी थी, अब अम्मा जी नहीं रही हैं, और उसके बाद हम सारी ये बहुएं हैं, हमारी भी बहुएं हैं इनमें, मतलब जो जिठानी हैं उनकी कईयों बच्चों की शादियां हो चुकी है, तो अप डाउन्स वैसे चलते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम सब में पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पर जल मैंने नहीं दिया था क्योंकि फ़ोटो वगैरह से आप सबको पता है मुझे कितना क्रेज़ है। और ये हमारी पूरी की पूरी बहू रानियों की टोलियाँ जो हंसी मस्ती के साथ वीडियोस वगैरह बना रही हैं। तो फिर चलेंगे घर पर सुनील जी के साथ। कहानी करने के बाद हम आ गए छत पर, यहाँ पर फोटो और वीडियो करवाने के लिए। छत पर चढ़ते चढ़ते सांस चल गई, बस आज कर लो जो मैंने क्रिएट करा ब्लॉग के साथ, हरा बनाऊंगी अपनी सुंदर सुंदर से वीडियो और फोटोज। चलो तो यहाँ हो गया हमारा इवनिंग का टाइम, जैसे कि आप सबको पता ही है, और इवनिंग में बस अब खाना पीना स्टार्ट हो जाएगा हमारा। तो ये जो दो आलू है ना, ये कटिंग में जाएंगे, और यहाँ शाम के टाइम मैंने थोड़ा सा गेटअप इसलिए चेंज किया क्योंकि किचन में खाने का काम करना आज। यहाँ पर सिंपली चावल बनेंगे हमारे, यहाँ पर कढ़ी बनती है तो पकौड़े तैयार है, आटा लगाऊंगी, अठावड़ी बनती है, मतलब वो पापा जी का भी वो है। पहले मैंने किचन सारी की सारी पूरी क्लीन कर दी, सिंक वगैरह सब मेरा मानती है, और इवनिंग में अभी पानी वगैरह फिनिश हो चुका है तो चलवाएंगे मोटर वगैरह भी, देखते हैं क्या सही में कैसे है, क्या क्या करना है। और तो ये रहता है हमारे इवनिंग में। अब एक साहू माता बनेगी, जैसे अगर देवरान जिठानियाँ होते हैं तो उसमें क्या होता है, फिर से मैं बनाऊंगी साहू माता और उसके साथ चेंज करेंगे करवे। और यहाँ मेरी बस पकौड़ी शकौड़ियों की तैयारी तो हो चुकी है, क्योंकि वैसी वाली भी रहती है तो आज के दिन उन चीज़ों का नाम भी नहीं लेना चाहिए जो हम नॉर्मल खाते हैं। और यहाँ बना लिए, देखो आलू काट लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा चीज़ें तो जब भी नहीं डलने वाली है। और मेहंदी का कलर आपने सुबह भी देखा होगा मेरा, अब भी देखा था। चलिए अब खाना पीना बनाने के बाद मिलती हूँ आपको, और बोलूँ कि मैगी दही वगैरह मिलेगी सब देखी चलिए। मतलब सारी चीजों की तैयारी होने के बाद अब हो गई फुलके की तैयारी। यहाँ मैंने आटा लगा दिया, आटा ज्यादा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि पूजा का खाना निकलेगा, गाय की रोटी निकलेगी, और ये मिक्सी क्यों रखी है यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पर चावल बूरा भी निकलते हैं, तो उसके लिए अगर बूरा नहीं है ना घर पे तो आप क्या करेंगे, एक कटोरी चीनी लेकर इस तरह से इसे मिक्सी में पीस लेंगे। और यहाँ आपकी बूरा बिल्कुल रेडी, देखिए कितनी बिल्कुल महीन। और ये मैंने लगा लिया कपड़ा, इसलिए आप भूल लेंगे रोटियां। यहाँ पर सारे चीजें मैंने मांझ ली हैं साफ साफ, ये भी
जाके खाने में बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। और मैंने पहले भी आपको बताया था ना कि हमारे यहाँ पर दो टाइप है, ये ताजे की और ये नॉर्मल कप की। तो ये चल रही है, इससे ही भरेंगे पानी क्योंकि अब थाली निकलेगी, उसकी तैयारी करना शुरू कर देंगे। और यहाँ मेरी कढ़ी में खदके आ चुके, दिखा दे, अभी तो रेड रेड हो रही है और अब बहुत यम्मी। और जैसे ही खदके शुरू हो जाएंगे ना होने, तभी इसमें डाल देंगे एक एक करके पकौड़ी। अभी सूजन ने क्या करा देखो, सूजन ने क्या करा अभी थोड़ी देर पहले, ओ पकौड़ी ने ट्राई किया मैंने, लेकिन मम्मी ने देखा हो चुका है इवनिंग टाइम। और हम जो पूजा होती है ना हमारी, ये मैंने सजा लिया यहाँ पर साथिया, यहाँ पर ओम, यहाँ पर चंद्र जो ये वाला होता है ना सुख, वो सब जो हमारे यहाँ पर चलते हैं। और यहाँ पर मेरे मंदिर सज चुका है करवे के साथ, ये वाला जो करवा है ये रहेगा मेरा क्योंकि इसमें चावल डले हुए हैं यहाँ पर। और हम अदला बदली करेंगे, या साहू माता को दे देती हूँ ये वाला और मैं ले लूँगी जल वाला, ताकि जब एक्सचेंज हो तो ये मेरे पास। और ये है हमारी साहू माता, साहू माता का मतलब होता है एक लेडीज, जिस जिसके पास भी मतलब अदला बदली करने के लिए कोई ना हो तो वो साहू माता रखती है। जिस तरह से माता रानी ने चुनरी ऑर्डर की उसी तरह से मैंने ऑर्डर किया। और इन्हें बिठा देंगे दिए, ताकि ये सही से बैठो, माता बैठो सही से बिठा दें, ये मिट्टी की बैठ जाएंगी। तो ये मेरी थाली, इसमें है चार रोटियां, इस तरह से चावल, वैसे जब खाने की थाली निकालते हैं तो गाय की दूंगी, और एक गाय की रोटी और निकाली है मैंने। तो पहले जो मुझे नीडेड थी वो मैंने रख लिया, सब सिक्का दे दें एक बार, सिक्के भी रखते हैं यहाँ पर जो रहेंगे ना, एक एक रुपये के सिक्के ढूंढ के दे देंगे। और फिर यहाँ पर होती है अदला बदली करवों की, और उसके बाद हमारे यहाँ पुजापा जो रहता है ये वाला, ये दे देंगे हम गाय को, इसीलिए वो हो गई तैयार। तो इस तरह के अपने ट्रेडिशन को निभाते हुए करवा चौथ हमने मनाई, और आगे भी इस व्लॉग को कंटिन्यू रखूंगी। आपके यहाँ पर किस किस तरह से होती है, हमारे यहाँ पर ऐसी होती है। इस व्लॉग का यहीं पे करेंगे एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ ऑल टाइम। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट व्लॉग के लिए रेडी रहें अपने परिवार के साथ मेरा व्लॉग देखने के लिए। बाय एवरीवन।